नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। 3 दिसंबर 2023 के आने में अभी देरी है, लेकिन 30 नवंबर 2023 को ही नवंबर माह में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के एग्जिट पोल्स घोषित कर दिए गए, जिनके आधार पर हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि उन एग्जिट पोल्स में क्या क्या संभावनाएं बताई हैं और इनके पीछे की वजह क्या है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम की विधानसभा सीटों के लिए मतदान खत्म हो चुके हैं और अब इंतजार है आने वाले मतदान के नतीजों का। मीडिया हाउस और एजेंसियों के अपने अपने दावे हैं और उन्होंने सीटों और वोट शेयर के आधार पर अनुमान लगाया है। विभिन्न एजेंसियों और मीडिया आउटलेट्स ने अपने अपने सर्वे के आधार पर अलग अलग भविष्यवाणी की है। इस वीडियो में हम इन सभी एग्जिट पोल्स का एक सारांश प्रस्तुत करते हैं। अगर हम इन सभी एग्जिट पोल्स की माने तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की एक बार फिर से सत्ता में आने की उम्मीद है। अधिकांश एग्जिट पोल्स ने कांग्रेस को 49 से 57 सीटों के बीच का अनुमान दिया है, जबकि भाजपा को 33 से 46 सीटों के बीच का। अन्य दलों को 0 से 5 सीटों की उम्मीद है। कांग्रेस का वोट शेयर 44 से 50% के बीच रहने का अनुमान है, जबकि भाजपा का 40 से 46% बताया गया है। इसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहाँ पर भाजपा और कांग्रेस के बीच एक कड़ी टक्कर है। कुछ एग्जिट पोल्स ने भाजपा को बढ़त दी है। भाजपा को 100 से 162 सीटों के बीच का अनुमान दिया गया है, जबकि कांग्रेस को 68 से 125 सीटों के बीच का। अन्य दलों को 0 से 5 सीटों की उम्मीद है। भाजपा का वोट शेयर 44 से 48% के बीच रहने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस का 43 से 47% के बीच। सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहा राजस्थान, और इस राज्य में भाजपा को एक बड़ी जीत मिलने की संभावना है। सभी एग्जिट पोल्स ने भाजपा को बहुमत पार करने का अनुमान दिया है। भाजपा को 100 से 128 सीटों के बीच का अनुमान दिया गया है, जबकि कांग्रेस को 56 से 91 सीटों के बीच का। अन्य दलों को 5 से 21 सीटों की उम्मीद है। भाजपा का वोट शेयर 46 से 50% के बीच रहने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस का 40 से 44% मिलने की संभावना है। अगर बात करें तेलंगाना की, तो इस राज्य में कांग्रेस को एक बड़ी जीत मिलने की संभावना है। अधिकांश एग्जिट पोल्स ने कांग्रेस को बहुमत पार करने का अनुमान दिया है। कांग्रेस को 56 से 71 सीटों के बीच का अनुमान दिया गया है, जबकि शासक बीआरएस को 33 से 55 सीटों के बीच का। भाजपा को 5 से 11 सीटों की उम्मीद है। अन्य दलों को 5 से 8 सीटों की उम्मीद है। कांग्रेस का वोट शेयर 49 से 44% के बीच रहेगा। बात करते हैं इस सूची में आखिरी राज्य मिजोरम की, जहां पर वहां की सत्तारूढ़ मिजोरम नेशनल फ्रंट को फिर से सत्ता में लौटने की संभावना है। सभी एग्जिट पोल्स ने एमएनएफ को बहुमत पार करने का अनुमान दिया है। एमएनएफ को 10 से 16 सीटों के बीच का अनुमान दिया गया है, जबकि कांग्रेस को 5 से 11 सीटों के बीच का। भाजपा को 0 से 2 सीटों की उम्मीद है। अन्य दलों का 0 से 1 सीट की उम्मीद है। एमएनएफ का वोट शेयर 40 से 45% के बीच रहने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस का 35 से 40% तक सीमित रहने का अनुमान है। इस प्रकार 2023 के विधानसभा चुनावों के एग्जिट पोल्स का नतीजा ये बताता है कि भाजपा को राजस्थान में एक बड़ी जीत मिलने की संभावना है, जबकि कांग्रेस को तेलंगाना में एक बड़ा फायदा मिलने की संभावना है। मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के बीच एक कड़ी टक्कर है, जबकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को एक बार फिर से सत्ता में आने की उम्मीद है। मिजोरम में एमएनएफ को फिर से सत्ता में लौटने की पूरी संभावना है। आपको एक बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि ये सिर्फ एक अनुमान है जो वास्तविक नतीजों से अलग हो सकता है। वास्तविक नतीजे 3 दिसंबर को घोषित कर दिए जाएंगे। इस चुनावी एग्जिट पोल्स पर आपकी क्या राय है, इस पर आप हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। हमें आशा है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही अन्य वीडियो और जानकारी के
अपडेट तुरंत पाने के लिए एयर न्यूज को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।